आम आदमी पार्टी कर्नाटक चुनाव में इतिहास रचने को तैयार। 15 फरवरी को यात्रा के साथ अभियान की शुरुआत करेगी। जी हां, आपको बता दें कि आपकी कर्नाटक इकाई 15 फरवरी को झाड़ू समाधान है नामक यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष मोहन दसारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दसारी ने पार्टी के राज्य कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यात्रा बेंगलुरु में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन के सामने शुरू होगी। उन्होंने कहा, हम संगोली रायन्ना सर्किल, आनंद राव सर्किल होते हुए फ्रीडम पार्क पहुंचेंगे और वहां सभा करेंगे। साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी ही है। लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से झाड़ू ही समाधान के नाम से यात्रा का आयोजन किया गया है। आम आदमी पार्टी बेंगलुरु शहर के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा, 15 फरवरी को होने वाली यात्रा में राज्य और शहर स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी, आकांक्षी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। कर्नाटक के लोग, विशेष रूप से बेंगलुरु के लोग, भाजपा, कांग्रेस और जेडी के शासन से तंग आ चुके हैं, जिन्होंने राज्य पर शासन किया है। उनका मानना है कि ज्वलंत समस्याओं का समाधान आप ही हैं। कर्नाटक के लोग जनहितैषी शासन देखना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है। बता दें कि आगामी 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की रणनीति किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की होगी। एक इंटरव्यू में आपके राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि अगर वे कर्नाटक में सत्ता में आते हैं तो वे अपने सफल दिल्ली और पंजाब शासन के मॉडल को लागू करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि कर्नाटक में तीन दल नामों से विभाजित है, लेकिन भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता से एकजुट है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव को एक अनोखे घोषणा पत्र पर लड़कर राज्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करेगी, जो लोगों के कल्याण और विकास योजनाओं के बारे में होगा। अपनी चुनावी पिच के तहत कर्नाटक में भाजपा इस चुनाव में गुजरात मॉडल को पेश करने की बात कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जीत से उत्साहित कांग्रेस दक्षिणी राज्य में भी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। इस बीच आपका कहना है कि उनके शासन का मॉडल दिल्ली और पंजाब में सफल साबित हुआ है और पार्टी कर्नाटक के लोगों के लिए वास्तविक विकल्प होने का दावा करते हुए आगामी चुनाव में जा रही है। अन्य तीन राजनीतिक दल स्थानापन्न हैं और वास्तविक विकल्प नहीं है। हमारे पास एक कार्यशील मॉडल है और हम उसे लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज़ डेस्क से हिमानी उप्रेती की रिपोर्ट।